अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम शरद, आप देख रहे हैं मशालपुर सीक्रेट। तो आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी, रमज़ान की रेसिपी है, तो आप लोग अपने घर में जरूर ट्राई करनी, आप लोग को पसंद आएगी। तो पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी है। तो हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले हमने जो है मैश के आलू लिए थे, उसके लिए हमने 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा डाला है और 1 अदद हमने इसमें बारीक चौटका हुआ प्याज डाला है। इन सबको हम अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अंदर जो है वो केचप ऐड करेंगे। केचप ऐड करेंगे इसके अंदर। अब हम तो आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में जो है आप लोग ये, अगर इफ्तारी में टाइम कम हो तो आप लोग ये बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और मज़ेदार भी, आप लोग को जो है वो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शेयर देख पैसे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब इसको हम जो है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम जो है वो हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे, इसके बाद इसकी जो है वो बॉल्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से जो है वो सारी बॉल्स हम बना लेंगे। अब हमने एक पैन लिया, पैन के अंदर जो है हम लोग 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर जो है 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। इसका जो है वो हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है 1 कप सूजी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी को है वो इस तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसको अच्छे से हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। इसमें अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। इसको अच्छे से हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। आपने देखते जाना है कि इसको हम जो है वो कैसे करते हैं और आपने एक एक स्टेप को जो है वो नोट करना है, ताकि कोई भी चीज़ आपसे रहना जाए और आपकी रेसिपी फिर अच्छी बने। जो सूजी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे जो है वो उतार लेंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। वो तैयार हो चुकी है, अब हम इसके जो है वो इसको बेल लेंगे। अब हम इसे जो है वो बेल लेंगे। देखें ये हमने इसे बेल लिया है। अब हम जो है इसके वो गोल कट करेंगे, गोल शेप इसके हम काटेंगे। देखिए इस तरह से हमने जो इसकी वो गोल शेप बना ली है। अब हम इसके ऊपर जो हमने जो बनाया था वो, इसकी जो हमने मिक्सचर हमने इसका तैयार किया था, वो हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद इसको हल्का सा जो है वो प्रेस करेंगे, ठीक है। साइडों से आपने इसके बाहर नहीं निकालना, बिल्कुल लाइट से ऐसे प्रेस करना है। उसके बाद जो दूसरा गोल हमने बनाया है वो उसके ऊपर हम रख देंगे ऐसे। देखें ये हमारी जो गोल शेप है वो तैयार है। देखिए इसे हमने जो है वो साइड से सही से बराबर कर लिया। अब हम इसकी जो है वो शेप बनाएंगे। ऐसे आप लोग इसे जो है वो कुछ भी, आप जो भी शेप इसे दे रहे हैं, देखेंगे इस तरह से हम जो है वो बाकी भी बना लेंगे। हमारा वो गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो आलू की जो स्नैक्स हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इस तरह हम जो है वो सारी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें और आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। जो आलू के पैर से स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हुई हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये करके दिखाती हूँ। तो देखें ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। रमज़ान में जो है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप लोग ये जो है हर अवतार में ज़रूर बनाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।